आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले कल्ट स्पोर्ट की स्मार्ट रन कार्सन 5.5। ये ट्रेडमिल 5.5 पीक पावर में आती है। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग एकदम बढ़िया है, पैकिंग देख सकते हैं आप। इसका ये मॉडल नंबर, प्राइस टैग एंड अदर डिटेल्स। ये 5.5 पीक पावर में आती है, हम इसे अभी अनबॉक्स करते हैं। इसका टोटल वेट है अप्रोक्सीमेट 100 kg और मशीन का वेट है 70 kg। आप देख सकते हैं एकदम हेवी पैकिंग में आती है ये मशीन। हम इसे फटाफट से इसे रिमूव करते हैं, पैकिंग निकाल देते हैं, प्लास्टिक वगैरह पूरी कैरी बैग, फिर आपको बताएंगे। ये एकदम हेवी में, इसके अंदर इंक्लाइन डिक्लाइन फीचर्स और 15 किलोमीटर तक की स्पीड है। इसकी मोटर एकदम हेवी आती है। हम देख सकते हैं कि इसका हार्डवेयर किट आता है इसके इंस्टॉलेशन के लिए, बोल्ट नट बोल्ट एंड एलन की के साथ आता है ये। इसका यूज़र मैनुअल है पर इसे कोई पढ़ता नहीं है हमेशा की तरह। इसका वारंटी कार्ड है, सबसे मेन वारंटी कार्ड है। इसकी की जैसे गाड़ी की आती है फोर व्हीलर की, वैसे इसकी की आती है। ये ऑक्स वायर और म्यूज़िक और ये स्प्रिंग वाली वायर है, देख सकते हैं आप। ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होंगी। ये लुब्रिकेंट आता है बेल्ट के अंदर लगाने के लिए ताकि बेल्ट की लाइफ अच्छी रहे। इन सब के वीडियो आपको आने वाले वक्त में मिल जाएंगे इन डिटेल। चलिए अभी इसका प्लास्टिक रिमूव करके फिर आपको बताते हैं। पहले तो हम इसे अप साइड कॉलम ऊपर करके इसके ऊपर के दो नट लगा लेंगे। अभी इसके दोनों साइड के नट है वो हमें अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है फटाफट से। हमने बहुत सर्च किया लेकिन बहुत सर्च करने के बाद हमें ये फाइनलाइज़ किया। ये हमने ऑनलाइन मंगाई है, कल्ट स्पोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी थी ये, तो हमने इसे ऑनलाइन परचेस किया है अमेज़ॉन से। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका बड़ा बोल्ट मैं आपको बस एक ही साइड से शो करूँगा, अदर साइड भी सेम प्रोसीजर है। उनसे ही ऑर्डर करो अमेज़ॉन के ऊपर। इसके अंदर आपको मसाजर भी मिल जाएगा वही बजट के अंदर। पहले आप सर्च करके देखो फिर आपको समझ आएगा। ऊपर से वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि बोल्ट लगाने में थोड़ा टाइम हो रहा है। यहाँ पे दो नट और एक साइड वाला नट हमें एक बार अच्छे से इसे टाइट कर लेना है आखिरी तक। अब हम इसके कवर्स लगाएंगे, जो साइड में कवर आते हैं वो। यहाँ के पहले जो छोटे नट से वो निकाल लेंगे फिर कवर बिठाएंगे। कवर बिठाने के लिए एलन की के साथ स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इस सीरीज़ बनाने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल, ये तो पहला पार्ट हो गया। आने वाले पार्ट में आपको इन डिटेल वीडियो बताएंगे क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे इन डिटेल वीडियो बहुत कम है। इसके लिए हम चाहते हैं कि आपका नॉलेज भी बढ़े और आपको ट्रेडमिल लेने में आसानी ना हो। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 36,000 की हमें पड़ी है। हम अभी इसके दो नट लगा लेते हैं। नीचे के इसमें टेस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। ये हमारा टेस्टर, हम इसे अच्छी तरह से एक बार कंफर्म कर लेंगे सब नट टाइट है। हम इसका प्लास्टिक निकाल देते हैं फटाफट से। ये इस केबल टाई आए हैं उसको कट करने के लिए, कट कर देते हैं हम उसे। एकदम हेवी टाई है इसके लिए हम इसे कट कर रहे हैं। अब हमारी ट्रेडमिल खड़ी हो गई है और रेडी हो गई चलने के लिए। ये आप देख सकते हैं डिजिटल डिस्प्ले, इसका नॉब भी डिजिटल आता है। ये कल्ट स्पोर्ट की ब्रांडिंग। ये यहाँ पर एक पावर स्विच दिया गया है अंदर साइड में, वो आप दिख नहीं सकता। ये हमारा 3 पिन, ये आप देख सकते हैं स्पेस कम लगता है इसे, बस इसके एक किक मार दे तो ये नीचे भी आ जाती है और अंदर डुअल सस्पेंशन भी है, आपको दिखाऊंगा।
इसका पीक पावर 5.5 है, ये बजट में सबसे हाईएस्ट पीक पावर की यही ट्रेड मिले, ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स। चलिए अभी इसे चालू करके देखते हैं, ये हो गए ऑन। देख सकते हैं आप नॉब के अंदर पूरा डिजिटल है, ये नॉब से ही ऑन ऑफ होती है और ऑन होती है। नॉब से हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये हमारी ट्रेडमिल चल गई। थैंक यू।